गोड्डा के मेहरामा थाना क्षेत्र में शिक्षा के मंदिर शर्मसार हो गया। शर्मसार इसलिए हुआ क्योंकि ये शिक्षा का मंदिर रण क्षेत्र में तब्दील हो गया। यहां एक तरफ थे पारा शिक्षक महोदय और दूसरी तरफ थी रसोईया महोदय। जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उन तस्वीरों को अगर हम मान लें और अगर हम ये भी मान के चलें कि तस्वीरें झूठ नहीं बोलती, तो पारा शिक्षक महोदय ने रसोईया महोदया की पिटाई कर दी, वो भी पूरे स्कूल के सामने। दे लात, दे घूसे, दे दना। शिक्षक महोदय पीटते रहे, रसोईया महोदया पीटती रही और लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। लोगों की मजबूरी भी थी क्योंकि लोगों ने बताया कि ये पारा शिक्षक महोदय स्कूल के सबसे दबंग आदमी है। क्या प्रिंसिपल और क्या शिक्षक, स्कूल में सब इनके रौब से खौफ खाते हैं। तो भैया जब ये पिटाई कर रहे थे तो लोगों ने बचाने की जहमत नहीं उठाई, लेकिन चूंकि पिटने वाली एक महिला थी इसलिए शायद जब महिला कुछ ज्यादा पिट गई तो लोगों की आंखों में पानी आने लगा और फिर लोग इन रसोईया महोदया को बचाने पहुंचे और बड़ी मशक्कत के बाद पारा शिक्षक महोदय जो कि अपनी मर्दानगी का सबूत दे रहे थे उनके चंगुल से इस रसोईया को बचाया। मार हुआ कि चाबी के बारे में, चाबी के बारे में सुबह झगड़ा हुआ तो हम चाबी बोले हम नहीं लिए हैं, तो उसके बाद मारपीट हुआ तो हम लोग भी छोड़ दिए। उसके बाद हम बाहर निकल गए, बाहर से फिर हम जा रहे थे लकड़ी लमने के लिए, द्वार में था बोढ़नी, हम साड़ करने से झुके, उसके बाद वो बोढ़नी हम झुके तो सोचा कि हमको कौन कौन मारा आपको? खाली रमेश्वर यादव मारा था पहले, उसके बाद उसका परिवार और बेटिया को मारा था। इस मामले को लेकर रसोईया ने जिला शिक्षा अधीक्षक और थाने में मामला दर्ज भी करवाया है और शिकायत भी दी। जिला शिक्षा अधीक्षक ने कार्रवाई की बात तो कही है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि फिलहाल वो गोड्डा से बाहर रांची में है। तो देखते हैं इन दबंग पारा शिक्षक साहब पर कार्रवाई कब होती। नरेंद्र, न्यूज 11, गोड्डा।